नमस्कार, अभी हम कुर्सेला के कमलाकानी गांव में मौजूद हैं। बीते कुछ दिन पहले इस गांव में आग लगी थी जिससे 15 परिवार का घर जल गया था। हम उसी जगह फिर से आए हुए हैं, एक बार घुमा के दिखाइए। यही वो जगह है जहां पर अचानक आग लगने से 15 परिवार का घर जल गया था। और आज जो है कुछ सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए थे और जो पीड़ित परिवार है, जो सदस्य हैं उनके घर का, उन्हें कपड़ा जो है मुहैया कराया गया, चाहे वो बूढ़े बुजुर्ग हों, जवान हों या बच्चे हों, सभी को जो है जितना जुट सका। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं सन्नी जायसवाल जी, और उनके द्वारा जो है यहाँ पर मदद की गई। हालांकि उनकी टीम में काफ़ी सारे उनके दोस्त भी आए हुए थे और सभी ने सहयोग किया है। आप लोग का ही घर जला था जी? क्या नाम है आपका? बज्जन शर्मा है सर। अच्छा, हमरा बताइए, पहले हमको ये बताइए कि ये आग कैसे लगी, कुछ जानकारी हुआ? अचानक नहीं है सर, बसा पर थे हम लोग ना, तो हम पैसा उठा सके यहाँ से। पौने 5 लाख जो है हमरा बाप बेटा मिल करके, गुलजन नाम से है, बज्जन शर्मा नाम से है जी। इतना पैसा जो है घर में था, कागज पत्र जो भी था, अलासी वाला था, केवाला था, वो हमारा सब जल के नाक हो गया। अच्छा, एक चीज बताए, आज जो है कुछ सामाजिक कार्यकर्ता युवा आए हुए थे, आप लोग को जो उनसे बन पड़ा वो सहयोग करके गए, अब कैसा लग रहा है? अब तो यही प्लास्टिक व्लास्टिक दिया है, पाल उल दिया है हम लोगों को, जो कि हम ढंग करके जीवन बिता रहे हैं। इसी तरह बिता रहे हैं। कहा जाता है ना, जब आग की आपदा घटती है तो वो जीवन की जो गहरी कमाई है वो सारा नष्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं ये जगह, देखिए, आपको लगेगा कोई एक बाहर का क्षेत्र है, जबकि ये कि यहाँ पे ऐसा घर हुआ करता था जो आपको पूरा एक दूसरे के घर में सटा हुआ पूरा घर था, जो आपको अभी खाली खाली नजर आ रहा है। किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे वो प्लास्टिक के नीचे हो या जमीन पे सोके हो। वही तरह का देखिए मेरा जो है इस जगह बोलाने की ब्लॉक के तरफ से अभी को प्रॉफिट नहीं मिला है। ब्लॉक सरकारी तरफ से जो मतलब अग्निपीड़ित में जो अभी तुरंत तत्काल मिलना चाहिए, वो अभी तक को सीओ चाहे वीडियो को कुछ नहीं दिया। सीओ वीडियो प्लास्टिक दिया था, क्योंकि उसने उस दिन हमने भी देखा था, जिस दिन यह अग्निकांड हुआ था, आपने खबर भी देखा है, उस दिन प्लास्टिक दिया गया था सीओ के द्वारा। उसके बाद और कोई साधन? कोई साधन नहीं। और जो पैसा जो मिलता है 11,000 की राशि प्रत्येक परिवार को, वो अभी तक को कहीं को तो चलिए प्रावधान है, वो मिल जाएगा, कुछ समय लग सकता है, सरकारी काम है, लेकिन जैसा बता रहे कि कोई एक्स्ट्रा जो और भी सेवा होना चाहिए, चाहे सूखा राशन हो वगैरह, ये सब नहीं दिया गया? नहीं, इसी कहा, यही ग्रामीण आता है देखता है तो वही जिनको दुख दया होता है वो अपना कुछ सहयोग करके अपना कपड़ा लत्ता कर्म लगी देता है। हाँ, बाल बच्चा को देख के कि किसको कौन आती है, वो अपना अपना कपड़ा लता देता है। सरकारी तरफ से एक पैसा नहीं मिला। परिवार उनके मदद करने तो वो सामाजिक लोग जी, हाँ, सामाजिक मतलब सेवा हो रहा है सरकारी तरफ। बताइएगा, बच्चे लोग बता रहे थे कि स्कूल में खाना खिलाया जा रहा था, किनके तरफ से खाना? मुखिया जी खिला रहा था, मुखिया जी खिला रहा था। और जो ऊपर से अधिकारी रूप से न, वो नहीं, मुखिया जी खिला रहा था और डीलर से जितना था वो अपना मतलब के मदद किया, वही से बना बना के खिलाता था। एक तो बर्तन तक नहीं बचा, तो यहाँ घर में कैसे खाता है? वो लोगों को ममता आया तो इसलिए खाना होना व्यवस्था किया। जिनको लगा कि नहीं, चलिए भाई, पीड़ित परिवार है, उन्हें दुख के समय में साथ देना चाहिए, तो वो लोग आके अपना जो जितना बन पड़ा वो किया है। वो सब लोग जितना आदमी है ना, दुख हमको बांटने के लिए वो किया। वो देख सकते हैं कि यही वो जगह है, आप एक बार घुमा के फिर से दिखा दीजिए कि देखिए कि कैसे जब जीवन की गहरी कमाई जब डूब जाता है, एक तरह से कहा जाए जब नष्ट हो जाता है, तो परिवार जो है अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए कितने परेशान हो जाते हैं, कितने दुख दर्द में अपने ज़िंदगी को बिताते हैं। सोचिए, जब ये लोग अपने छप्पर या घर के नीचे अपने चौकी पलंग पे सोते होंगे, आज वो स्थिति है कि किसी तरह तिरपाल के नीचे जो है ज़मीन पे सोना पड़ता है। चलिए, इसी तरह कोशिश इनको देखते रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चार को साड़ी लिखा दीजिए, राजेंद्र शर्मा परिवार हाँ है कि जब पुत्र वाचे में इधर देखिए, यहाँ देखिए ना, हमको देते यहाँ देखिए।
बक्कू शर्मा दो देख लीजिए कि हाँ हाँ ठीक है आ जाएगा। जा जा हो जाएगा पेंट तो छोटे है अब और कितना छोटा चाहिए? अरे वही छोटा है टेम्पो जी हाथ वाला वही दे हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो गया हो गया हाँ हो जाएगा इसमें वजन का एलान देखो छोटा व्यवस्था हूँ नहीं तो नहीं होते दूसरा तो हाँ ये सब होते ये सब लम रहे अरे पचन था क्या था पचन रोले क्या देने आया था यहाँ पे? कपड़ा देने। कपड़ा मिला तुमको? हाँ। क्या क्या मिला? टी शर्ट और पजामा। बोले अच्छा एक चीज बता बाबू कैसा लग रहा आज कपड़ा मिला तो कैसा लगा? अच्छा लग रहा। अच्छा एक बात बताओ ये आग जो लगा था तुम यही थी? हाँ। कैसे लगा था कुछ मालूम है? नहीं नहीं मालूम है। अच्छा जिस दिन से आग लगने के बाद खाना पीना कहाँ खा रही है? स्कूल में कौन खिलाता है? सरकार के तरफ से मिलता है। वो जो स्कूल में पढ़ने जाते वो वाला खाना की रात में क्या खाती है फिर? रात में स्कूल में खिलाता है? हाँ। रात में भी? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी कुमारी। पापा का क्या नाम है? जगाली शर्मा। आज आप लोग अग्नि पीड़ित परिवार के यहाँ आए, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा जो है यहाँ पर कपड़ा मुहैया कराया गया बच्चों बुजुर्ग एवं महिलाओं के बीच, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको पुनः बधाई देता हूं, आप मेरे इस छोटे से गांव में आए और पीड़ित परिवार का न्यूज कवरेज कर रहे हैं। धन्यवाद अजीत जी और कोशी के सभी जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद है। और धन्यवाद मैं करना चाहूंगा आशियाना गारमेंट्स के प्रोप्राइटर सन्नी जी और उनके पूरी टीम को कि इन्होंने देखा कि
कमला कानी में आग लगी है और पूरा परिवार जो है कि जब आग लगा तो पूरा परिवार बेघर हो गया जी। तो उस परिस्थिति में इन्होंने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ और अपने पहनने के लिए कुछ साड़ी कपड़ा की व्यवस्था कराई इन्होंने। इनको तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इस गांव में आकर के मदद पहुंचाई। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें ताकि और समाज में आप अपना योगदान दें। परिचय, मेरा नाम केम्पू मंडल, सामाजिक कार्यकर्ता कुर्सेला। सन्नी जी, आज आप यहां आपके द्वारा जो है, आपके कुछ मित्रों के द्वारा जो है, पीड़ित परिवार को कपड़ा मुहैया कराया गया है, क्या कहेंगे? तीन दिन पहले आग लग गई थी। तीन दिन, आपको तो पहली बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। आपने तो छोटे छोटे गांव में जाके और न्यूज़ चैनल के माध्यम से सबको दुख सुख सब दिखाते हैं, सभी लोगों को न्यूज़ के माध्यम से, चैनल की वजह से जी। और हमको तीन दिन पहले ही इनका सूचना मिला आग लगी रात में, तो हमने अपने दोस्तों के साथ आया देखा, और पहले भी बहुत सब आदमी लोग आए हैं, जो भी सहयोग हुआ दिए, और हमको भी पता चला इस तरह से है। और पूरे सामान घर की जल चुकी है, न पहनने के लिए कपड़ा, न खाने के लिए राशन, न कुछ रहने के लिए छत, कुछ नहीं था, सब खत्म हो गया और आशियाना उजड़ गया। तो हम लोग को कहा, मेरा दिल गवाह दिया कि कुछ योगदान किया जाए। मेरा छोटा सा दुकान है कुछ चौक पे आशियाना गढ़ में, वो थोड़ा सा कुछ सामान निकाल के अपने स्वजन से और सभी दोस्त भाई मिलके अपना सब भी पुराने मांग बांध को सारी दिया, कपड़ा दिया, छोटे छोटे बच्चों को कपड़ा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय जानना चाहेंगे? मैं सनी कुमार जायसवाल, सामाजिक कार्यकर्ता कुछ।